दोस्तों ये देखो, अमन ये वाली, हाँ ये वाली R15 तो ये अपने दूसरे दिखाई ये या ये या ये तो कम समय में जितना कुछ करना है आपको कैसे मिल रही थी और गाइज आप सभी लोग ये सोच रहे भाई इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा क्योंकि भाई मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था और भाई वो सरप्राइज बोल लो सरप्राइज है भाई मैं ऐसे ही बोलता हूँ सरप्राइज अब ठीक है सरप्राइज सो गाइज फाइनली भाई मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा था आप सभी के लिए और वो है और वो है भाई सुनो मेरी बात गेस तो करो क्या हो सकता है शादी हो रही है भाई की और क्या मैं बताता हूँ क्या हो रही है शादी हो रही है आपकी भाई शादी नहीं हो रही बताओ भाई क्या हो सकता है मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें वहां भेजा जा रहा नशा मुक्ति केंद्र कुछ भी कैसे ऐसा दांत ला वो तो ऐसे गए ना वो तो करा रखा है अच्छा मैं तो भाई जाता रहता है तो ठीक है हाँ भाई तू कैसा सर है मेरे को तो पता है क्या करने वाले हो क्या करने वाला हूँ तो गाइस बात ऐसी है ना जाने घर जैसी है रात के बज रहे पता नहीं घड़ी बंद हो गई देख लो और हमें उठाया गया है कि उठो और व्लॉग में हमारा साथ दो तो देखो सरप्राइज की रही बात तो मेरे को सरप्राइज नहीं पता क्या होने वाला है बस इतना ऐसा लग रहा है ये बताओ गाड़ी घोड़ी को लेके तो नहीं है कुछ यस yes. हाँ बोल बेटा बोल बन गए साफ भाई फुल्ली सनरूफ गाड़ी ले दो वो इतना अटक फुल्ली सनरूफ अगर मेहनत करी उसने डायलॉग बोलने के लिए वही रटा है पुस्तक भी ना बोल ऑस्ट्रेलिया भेजा था इस गाने के लिए हाँ फुल्ली सनरूफ गाड़ी देखो तीन जने बैठे ना तीनों को एक एक शब्द दिया है और कार भी नहीं बोला गाड़ी सुनो मेरा मत वेस्ट करो हमारी और भी अपॉइंटमेंट्स होती है हाँ। जल्दी बताओ तो कम समय के लिए आया तो कम समय में जितना कुछ करना है आपको बार बार दिखा दिया भाई साहब सो भाई जो मेरा सरप्राइज है वो है भाई मैं ले रहा हूँ एक न्यू बाइक हाँ भाई भाई मैं बाइक ले रहा हूँ सच में ले रहा हूँ मैं बाइक मजाक में समझो मैं यकीन नहीं मानूंगा क्यों जिस दिन पर्दा हटेगा बम फटेगा तभी यकीन होगा अरे सच में मैं बाइक ले रहा हूँ कौन सी गेस करो KTM ड्यूक ये तो यार फिर इन दोनों के नामों से ना मुझे एक बंदा याद आता है ये नहीं नहीं मेरे को बोले हैवी ड्यूटी भाई TVS की लूना है वो उसका नाम है हैवी ड्यूटी नहीं है नाम चेंज हो गया लूना हो गया लूना लूना तो पहले आती थी सच में तुम्हें कैसे पता हायाबुसा ले रहे हैं पता है हायाबुसा स्पेलिंग पता है भूसा की हायाबुसा ले रहे हैं हायाबुसा स्पेलिंग बता दे चलिए बता दे कौन सी कंपनी की ओहो बस ध्यान दे कंपनी बता बेटा कंपनी बता हायाबुसा लोडो बता हायाबुसा की कंपनी बता हायाबुसा कंपनी बता शिवम बताइए पीछे से उसको खुद नहीं पता उसे खुद नहीं पता बता दे सुपर भाई से पूछ ले बता दे बता दे बता दे बेटा सुजुकी की है मैं बता देता हूं हायाबुसा की स्पेलिंग तो बता दे उसे ये नहीं पता किस कंपनी की स्पेलिंग पता होगा हाँ चल बता दे साले हायाबुसा लेने की गाड़ी ना ले ले इसको प्राइस भी नहीं पता हायाबुसा का मैं क्या बोल रहा हूँ कितने की है 3 लाख रुपए की है कुछ भी 3 लाख की बाइक है 3 लाख की बाइक है हायाबुसा साले 15-16 लाख की है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्या ये भी नहीं पता कि बुलेट कौन सी कंपनी की है बुलेट कौन सी कंपनी बता दे हाँ बोल्ट भाई यार पागल समझ रहे हो क्या तो बता तो दे जिस पे तेरे जैसे रॉयल रॉयल क्या आ गया एनआईटी रॉयल पर्सनालिटी बोलना बता फंस गया एक बंदा भाई बड़ा खतरनाक हंसता हो गया भाई हाँ भाई बताओ बाइक कौन सी ले रहे हो हाँ यार भाई तुम मजाक कर रहे हो तुम्हें यकीन नहीं है मैं बाइक ले रहा हूँ भाई उससे लागू ना अच्छी बाइक है मेरे पर भी अभी कौन सी तुम्हारे पास होंडा की लिखो एक साल तो हुआ है इसलिए हुए तुम वो ले लो कौन सी लो चलो भाई सुनो मेरी बात सबको बताना है कौन सी बताओ कितना कौन सी बाइक भाई बजट है कोई दिक्कत नहीं है भाई क्या बोल रहा है TVS
अमन सही बता रहा हूँ, नौकरी तो चल रही है। हाँ। दिन में भाई अपना स्विगी जोमेटो काम कर ले तो भाई सच बता रहा हूँ, देख नए नए घर जाएगा, नई नई लड़कियाँ मिलेगी तेरे को वहाँ। अबे यार तो उसके पास तो पैसे भी नहीं होते। ऑर्डर ऑर्डर के माध्यम ओ यार ये बहुत डार्क है यार, ये तो बहुत ज्यादा डार्क है यार। ले 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 भाई, भाई सोच तू जोमेटो से कुछ लेके जा रहा है, कोई लड़की है वहाँ पे, ठीक है बताऊँ आगे की बात, बताओ। अमन सिंगल है तो मुझे मन बताता है उसकी जीवन में बेसिक नीड्स, हाँ बजट वाली है भाई, बजट तो बहुत बहुत बजट है। एक मिनट बल्लू रजनीकंदा दियो बस गिरा दिया यही करो तुम भाई, कोई बात नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख क्या बजट है भाई, बजट बजट की कोई सुनो तुम्हारा बजट कितना है भाई, मेरा बजट है 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख ठीक है, इतना बजट काफी है, आ जाएगी तो सुपर बढ़िया वाली बाइक, बढ़िया बाइक आ जाएगी। कार क्यों नहीं ले रहे बाइक की जगह भाई, 2.5 में ऑल्टो आएगी, थोड़ा बजट बढ़ा लो, सुपर बाइक ले लो, हार्ले नहीं यार भाई, मैं बता रहा हूँ सुनो भाई, भाई मेरा प्लान ये है कि मैं पहले थोड़ा सा मतलब मिड सेगमेंट की बाइक ले लूं, फिर मैं उसमें मेरी मानो सुन मेरी बात, वो एक बार मिलो भाई बताए आजकल मेरी बात सुन लो पूरी, मेरा प्लान सुनो, मैं मिड सेगमेंट की बाइक लूं, उसमें थोड़ा व्लॉगिंग करूं, थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस आएगा, व्लॉगिंग छोड़ो वो मैं उम्मीद नहीं है, अरे भाई मेरे थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस लूं, ये बाइक लेके क्या बोलता मोटो व्लॉगिंग करूंगा भाई, इस बाइक पे यार मेरा मोटा व्लॉगिंग भाई, मेरे भाई इस बाइक पे कौन सी व्लॉगिंग होती है खुद बताओ, गाइस कल से मोटो व्लॉगिंग चालू कर दूं यार, देखो काया का म्यूजिक इंसान करने वाला होना चाहिए, वो कहीं भी कर लेता है। हां ठीक है, पर अभी बताओ मेरे को, सजेस्ट करो, मेरे हिसाब से तुम पे हार्ले टाइप बाइक अच्छी लगेगी। नहीं भाई मेरे बजट हाई हो जाएगा, हाँ बहुत ज्यादा बजट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, तुमने कुछ गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर रखी है, कुछ बाइक्स आई मीन तुझे, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, देख लेते हैं कुछ नहीं किया, तो अभी ऐसा चलो तुम लैसेस छोड़ो लैपटॉप मैथबुक में देते देना तो उतने सारे, मेरे को लगता है अभी तुम हमसे ना पूछ के ऑडियंस से पूछना चाहिए कि आपको क्या लेना चाहिए। गाइस कमेंट करके बताओ कौन सी बाइक जो है वो मेरे ऊपर सूट करेगी और कौन सी मेरे बजट के अंदर आ रही है, ठीक है भाई बताऊं यार, गन गन चलवा देना भाई, वो जो गन होती है जो भी जिसमें पेपर उड़ते है ना, बेचारे ये दोनों बंदे रह गए, देख के दे दी उन्होंने वो भी नहीं देते, उसको दे दे भाई, पसीने आ रहे मैं मुंह पे देख के दे, ऐसा कुछ भाई वहां पे खड़े होके मैं भाई ऐसा कुछ कर रहा भैया प्लीज, हाथ जोड़ रहे थे ओ भाई, हमने हाथ आवाज वाला गन लगा के डाल दी, हां आवाज वो हमें पता ना कैसे मिली थी, काम पे चिकी जा रहा है यार जब से भूतनी का, ओ भाई। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, 2 से 2.5 लाख का इसमें बजट डालो, ऐप में bikedekho.com बोलो भाई, बोलो मेरा मानना है अगर तुम सच में ही प्लान कर रहे हो तो मैं सच में तो यहाँ बैठ के फालतू के फार्म, तो भाई एक बार देख तो लें हमारे बजट में कौन कौन सी बाइक है, चलो ठीक है थोड़ा डिजाइन वगैरह तो देखो कि तुम लोगों को कौन सी पसंद आती है, ड्यूक व्हाइट वाली, ड्यूक भाई ये ड्यूक बोल रहे हैं, 1.5 लाख बता रहे हो कितना, 2.5 लाख में तो भाई स्प्लेंडर आएगी, और क्या पता है वो मुझे 1 लाख की होगी स्प्लेंडर, 60-70 हजार कुछ भी वो था। भाई बताओ एक तो ये तुम्हारी भाई लिस्ट आ गई तो टीवीएस की अपाचे आरटीआर, एक शोरूम प्राइस है 2,40,000 रुपए, ठीक है तो मतलब ऑन रोड आते आते ये आएगी, होंडा सीबी करके भी आ रही है 300 भाई, 2,40,000 दिखाना डब्बा नहीं नहीं ये सही नहीं भाई, एक बार इसका लुक देखना दोस्तों, ये देखो अमन सही लगूंगा इसमें मैं, अमन झूठ नहीं कह रहा। गाइस पहली बाइक जो फाइनल हुई है वो ये अपाची आरटीआर 310 भाई, इस पे मैं बाकी मर्जी है भाई, हाँ यार बढ़िया लग रही है, ठीक है ये वाली मस्त की ये ठीक है, ओए इसमें ये भी है भाई स्क्रीन है पूरी स्क्रीन, हाँ यार बंदे का एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा बाइक पे चले, वो इसमें तो वो कार प्ले है भाई, दूसरी बाइक बताओ, दूसरी बाइक अपाचे कर लो एक तो डन, ठीक है लिस्ट में। गाइस पहली बाइक अपाचे आरटीआर 310 अभी कौन सी आ गई यार, रेंज डाल दो उसमें 2 लाख
नहीं अब एकदम आई 80 लाख की बाइक, मैं कहा भाई मकान बिक जाएगा इसमें तो। सिंपल सी बात ये है, ये R15 को भी रखो अपनी लिस्ट में। ये वाली? हाँ ये वाली R15। अब तो मेरी LT बताता हूँ, छोटी सी बात। जैसे तुम ढूंढ रहे हो नेकेड बाइक, ठीक है, तो उसमें तुम ये सोच रहे हो कि पापा भी चला ले, मतलब घर में कोई मतलब कोई और भी चला ले एक पल को। बट मेरा मानना ये है कि पापा के पास तो तुम्हारी अपनी गाड़ी है ही, देखो पापा के पास अपनी बाइक भी है कार भी है, तो जब सोचो अंकल एक बार बैठ जाए भाई आंटी सेटा सारी मोल लेगी कुछ भी भाई, सच में कुछ भी कह रहा हूं। काला चश्मा लो। सुनो, मेरा मन तो ये कह रहा है कि तुम्हें बाइक लेनी चाहिए, ये हैवी बल्कि वाली। ये कौन सी है? ये इशारे मतलब ये भाई R15। हां R15। अब पता है क्यों कह रहा हूं? देखो भाई, मेरा ये मानना है कि हमें शौक पूरे कर लेने चाहिए। देखो ये भी मस्त है। कौन सी है? KTM RC। हटा दी वो यार, मैकबुक में पता है तो। छी ओए ओए, क्या मस्त लग रही है। मैं छी बोल रहा हूं। छी तू तो देख रहा है इस पे छपरी बैठा ना, हवा आई, हवा में पार है तू। बाइक छपरियों की बाइक, बाइक कितने की है ये? कितने की है? छपरियों की बाइक है ये? कितने की है भाई ये? कौन सी है? RC और ड्यूक। भाई मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, ये KTM और ड्यूक से भाई दूर रहता हूं। ये दो बाइक है ना इतनी ज्यादा जलील हो चुकी है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा जलील है ये। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमने बाइक सेलेक्ट करी है ना उसका एक टैब खोल के ना अलग से रख लेते हैं। क्या मिलेगा उससे भाई? कंपेयर करेंगे ना साइड बाय साइड प्रोफाइल और भाई नाम। हम तो कर लेंगे कंपेयर, मैंने ऑडियंस का कंपेयर करना। भाई ऑडियंस देखेगी तभी तो कंपेयर करेगी। ऑडियंस को पता, पहला सुनो मेरी बात, पहले हो गई R15, ठीक है भाई। सेकंड हो गई गाइस RS 200 पल्सर, बजाज पल्सर RS 200, ठीक है दो हो गई, ठीक है। तीसरी KTM, नहीं यार वो थोड़ी गाइस वो थोड़ी रेंज से बाहर जा रही है, वो ऑन रोड आते आते पता है कितने की? 3 लाख की पड़ेगी। R15 बताई और कौन सी बताई? KTM पल कुछ भी कुछ भी अभी तो बोल रहे गाइस। सेकंड जो है वो है बजाज पल्सर RS 200, ठीक है 200। ये तो देखी नहीं अभी तक। नहीं देखी? बहुत पुरानी है ये वाली। भाई दिखा भाई, नया मॉडल 2024 मॉडल आया है। मैंने नहीं देखा। हाँ लेटेस्ट दिखाओ भाई। लो भाई R15 तो ये ब्लैक कलर लॉक कर दिया हमने, ब्लैक कलर भाई ये देखो भाई, ठीक है R15। और दूसरी पल्सर यही है ये वाली? हाँ हाँ यही है भाई, ये रही भाई। भाई इतनी नहीं पसंद आई, इतनी खास नहीं है कोई। बता भाई शिवम, ये या ये बता कौन सी? दिखाओ तो ये आपने दूसरी दिखाई नहीं। ये या ये? या ये? ये नहीं, वही ना भाई R15। हाँ। दो फाइनल हो गई हैं, R15 और इन दोनों में से एक लोगे ना, बजाज पल्सर RS 200। इन दोनों में से एक लेने वाले? इन दोनों में से कोई एक। मैं पहले भाई ले ले। ओए भाई सेम लाइन, जब तुमने गाड़ी ली थी तब भी यही आया था। अच्छा। ले भाई ले ले, उसके बाद लूंगा। हाँ गाड़ी ज्यादा है यार, बाइक वाइक तो नीट नहीं है ना, जो नीट तो यार तुम सही कमाते नमाते हो यार। अरे तो नीट जिस चीज की नीट होगी वही ना, अभी एक चीज ली है ना थोड़ा रुक के। तो भाइयों फाइनली भाई जो हुआ है, दो बाइक फाइनल हुई है, एक पहली R15 और दूसरी जो है भाई वो पल्सर RS 200। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि सजेशन कि भाई आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए, भाई तुम्हें ये वाली बाइक लेनी चाहिए, तो प्लीज़ भाई कमेंट करना। और जिस बाइक के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे फिर भाई उसके शोरूम में जाएंगे, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और फिर उस बाइक को परचेज कर लेंगे, ठीक है भाई। तो बहुत जल्दी भाई एक हमारी फैमिली में एक नई सुपर बाइक तो नहीं पर ठीक है मिड रेंज बोल सकते हैं, बहुत जल्दी एक स्पोर्ट्स बाइक आने वाली है, स्पोर्ट्स लुकिंग बाइक आने वाली है बहुत जल्दी। तो भाई भर के कमेंट कर दो कि मैं कौन सी बाइक लूँ, कौन सी नहीं लूँ, कौन सा आपका सजेशन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग क्या पता सीधा शोरूम का हो, ठीक है, और फिर बहुत जल्दी डिलीवरी का भी हो। सो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में भाई जरूर बताना कौन सी बाइक लूँ।